पर जो मुझे पार्टी के लीडरशिप ने जो मुझे बार बार मारा, मुझे गोलियों और रॉकेट लॉन्चर का कोई असर नहीं हुआ। इनका इन्होंने जो मारा वो मुझे एटम बम्बों की तरह लगते हैं जो मुझे रोज मेरी पार्टी की लीडरशिप मारती है। मैं आतंकवादियों का पीड़ित नहीं हूं, मैं अपनी पार्टी की लीडरशिप का पीड़ित हूं। दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं, अपनों की वफा से डरते हैं। भिट्टा के इन आरोपों के बाद बड़ा सवाल कि क्या कांग्रेस आतंकवादी भुल्लर को बचा रही थी। इस सवाल के तमाम पहलुओं की पड़ताल से पहले आपको बता दें कि 20 साल पुराने केस में फांसी की सजा पाने वाले देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की दया याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। गांधी परिवार की मैं इज्जत करता हूं, गांधी परिवार तक पहुंचने के लिए कितना वक्त लगता है? राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति को मिलना बड़ा आसान है, इस घर में मिलना बड़ा मुश्किल है। उनका कसूर नहीं है, कसूर नीचे के नेता है, नीचे के अहमद पटेल जी है ना। मिलना हो तो 2 साल पहले उनको मिलने में लगेगा, इससे तो राजीव शुक्ला अच्छा है, राजीव शुक्ला अच्छा है, अच्छी तरह बात तो है इनमें। कोई और नेता, वो पुरानी लीडरशिप खत्म कर दी, अब कल के नए नए लड़के, इनको जाके मैं कहूँ मिलना चाहता हूँ। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कपिल छिब्बल बुल्लर का वकील बन के केस क्यों लड़ा? मैंने कांग्रेस के लिए, देश के लिए गोलियां खाई। अंबिका सोनी ने मुझे क्यों कहा बुल्लर के मामले में चुप हो जाइए? जिस तरीके से शीला डिस्ट्रिक्ट सरकार ने बुल्लर को मेंटल करार दिया, खुलकर के मदद की, जिस तरीके से बुल्लर की फाइल को होम मिनिस्ट्री के अंदर, लॉ मिनिस्ट्री के अंदर, दिल्ली सरकार के अंदर 3 किलोमीटर के अंदर 15 साल घुमाते रहे। दूसरी तरफ बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए बिट्टा के सभी आरोपों को सही बताया है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं पर उन्होंने जो संगीन आरोप लगाए हैं, प्रमाण सहित जो उन्होंने प्रश्न उठाए हैं, कांग्रेस को उनके उत्तर देने चाहिए और एक प्रकार से कांग्रेस की पूरी कार्य संस्कृति के ऊपर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है। साहब, अभी हम बात कर रहे थे इस मामले पर जो आपने आज कहा उस पर, जगदम्बिका पाल जी का कहना है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, न्यायिक प्रक्रिया है, इतना समय लगता है और इसमें तो उतना लगा भी नहीं। देखो, जहां तक जगदम्बा पाल जी का सवाल है, मेरे बड़े मित्र, बड़े भाई हैं मेरे, इस बात का तल्लुक है, जख्म मैंने झेले, प्रक्रिया जो है मम मैंने खाया शरीर पे, कांग्रेस का झंडा उठा के बार बार, एक बार नहीं बार बार गोलियां मैंने खाई। टंडन साहब, बिट्टा साहब को सुन लेते हैं, ठीक है ना जी। मम मैंने खाए हैं, जख्म मैंने झेले हैं, जब सुबह उठता हूँ, जब चलता हूँ, तो मुझे पता है कि मैं कितनी पीड़ा सहन करता हूँ। सवाल सबसे बड़ा ये है, दो चीजों की हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है फांसी के मुद्दे के ऊपर, या राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां बड़ी हैं? मैं तो सुप्रीम कोर्ट को बड़ा मानता हूं। जब सुप्रीम कोर्ट फांसी का फैसला सुना देता है, फिर फैसले में देरी क्यों? मेरे एक मिनट, अब प्रणब मुखर्जी हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बने, जो पहले की पेंडिंग फाइलें थी छोड़ दी, नई को कर दिया, क्योंकि उनके अंदर एक इच्छा शक्ति थी। जहां तक सुशील कुमार शिंदे जी का सवाल है, उन्होंने डिसीजन लिया, मैं उनके आगे सलूट करता हूं। गलत को गलत कहना, सही को सही कहना, हर पॉलिटिकल व्यक्ति का। लेकिन भुल्लर के मामले में क्या कांग्रेस पार्टी ने बचाया भुल्लर को? अरे क्यों नहीं बचाया, ये सबसे पहले तो मेरी सुरक्षा को विड्रा क्यों किया? जब 1992 में मेरे ऊपर कार बम से हमला हो चुका था, मैं पंजाब यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, मैं पंजाब की कांग्रेस का मिनिस्टर था, और उसके बाद दिल्ली मुझे क्यों बुलाया? अगर दिल्ली आपने मुझे जिम्मेदारी दी, तो मेरी सुरक्षा का इंतजाम करना किसका काम था? जब नरसिम्हा राव जी ने कह दिया था एयरपोर्ट के अंदर, सीनियर नेताओं को मेरी बात सुनिए, कि बिट्टा के ऊपर हमला होगा, इसकी कोठी और सुरक्षा का प्रबंध करो, तो मेरा सुरक्षा का प्रबंध करके 15 दिन में आपने सुरक्षा वापस क्यों ली? कौन है जिम्मेदार? सबसे बड़ी जिम्मेदारी, यह छोटी सी जिम्मेदारी नहीं है। उसके बाद कपिल छिब्बल क्यों केस लड़ा आतंकवादी का, यह सबसे बड़ा सवाल है। उस समय की वो सुरक्षा समिति ने क्या फैसला हुआ? घर मिल गया आपको, सुरक्षा मिल गई आपको, जगदम्बा पाल नरसिम्हा राव जी ने कहा, तो फिर कांग्रेस पार्टी को कैसे इसके लिए जिम्मेदार ठहराया? मेरी बात को सुनिए, बात की जगदम्बिका पाल जी जवाब ले लेते हैं बेटा साहब, जगदम्बिका पाल जी मेरी बात सुनिए जी जी बेटा साहब, ना मैं भिखारी, ना मैं मांगू कोठी, ना मैं मांगू सुरक्षा। आज आप हाईकमान से फोन करके पूछ लीजिए, सुबह चाबी आपके हाईकमान को दफ्तर में दे दूंगा, सुरक्षा की गाड़ियां छोड़ दूंगा, मुझे परवाह नहीं है, मौत से मैं नहीं डरता। दूसरी बात, जब 1992 में आपको पहले भी कहा
45 किलो आरडीएक्स के साथ कांग्रेस का मिनिस्टर, पंजाब का यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट, जब मेरे ऊपर हमला हुआ और दिल्ली में आपने सबने मुझे बुला लिया, क्या 8 महीने के बाद दिल्ली बुला करके आपने 15 दिन में मुझे सुरक्षा दे दी, नरसिम्हा राव जी फ्लाई करके यूके में, और 15 दिन में मेरा थ्रेट कम हो गया? ये अरे कहाँ की बात कर रहे हैं? इसका मतलब आईबी उस वक्त की, उस वक्त के हमारे जो जिम्मेदार लोग थे, किसी ने शरारत की? ब्लास्ट हुआ मेरे ऊपर, ब्लास्ट हुआ तो फिर जिम्मेदार कौन है? जिसने सुरक्षा का गलत रिपोर्ट किया वो जिम्मेदार कौन है? ठीक है बिट्टा साहब, तो मैं कहना चाहता हूँ, भुल्लर के मामले पर आते हैं, भुल्लर के मामले पर वापस आते हैं जी, इस पर बिट्टा साहब की प्रतिक्रिया ले रहे हैं, फांसी या फिर जो सिरसा साहब, मैं भी कोई सुनना चाहता हूँ। ये हमारे कांग्रेस के भाई, हमारे जगदम्बा पाल जी, मेरे साथ यूथ कांग्रेस में काम किया है, मैं अभी भी कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस से दूर नहीं हूँ। मैं इनको कहना चाहता हूँ कि सिरसा साहब की बात का ये क्या जवाब देंगे? मैं तो सुबह का बोल रहा हूँ, इनके विचारों को भी सुन लूँ। मैंने तो कांग्रेस का झंडा उठा के लड़ाई लड़ी, अब भी वही लड़ाई लड़ रहा हूँ, इंदिरा जी राजीव जी के असूलों पर चलते हुए। जगदम्बा पाल जी जब वो इनकी बात का जवाब दें, मुझे भी पता चले इनके विचार क्या हैं। जगदम्बिका पाल जी, बिट्टा साहब चाहते हैं कि आप जवाब दें जो सिरसा साहब कह रहे हैं कि फांसी नहीं होनी चाहिए और उसकी वजह भी है उनके पास। नहीं, सवाल कानून में आतंकवादी नहीं है, और इनह्यूमन वाली बात नहीं होती, आप पहले ये प्रूव करें वो आतंकवादी है। ये कौन सी बात, ये कौन सी बात? देखिए उस समय जो समय एक लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन फ्रंट के थे, उन्होंने जिम्मेदारी ली थी जो मनिंदर बिट्टा पे जो हमला हुआ था, और उसको खालसा लिबरेशन फ्रंट की तरफ से इन लोगों ने कबूल किया था। तो ऐसा नहीं है, अगर उसमें वो अभियुक्त हुए हैं तो उस अभियुक्त होने के बाद आज जो फिर फैसला, अगर ये कहा जाए कि नहीं फांसी होनी चाहिए, ये फैसला किसी सरकार का तो है नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का तो है नहीं। अगर हिंदुस्तान की जिस न्यायिक प्रक्रिया को आज दुनिया में सराहा जा रहा है, और उस न्यायिक प्रक्रिया के तहत लोअर कोर्ट से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक गई, और जगदम्बिका पाल जी सीधा सवाल विटनेस देने को तैयार है जगदीश टाइटर के खिलाफ जी, सिरसा साहब जवाब ले लेते हैं बिट्टा साहब से जी। बिट्टा साहब, सबसे पहले जो टंडन साहब है, मैं इनकी बात का जवाब दूंगा। ये वो टंडन साहब है जिन्होंने मौत का कफन बांध के, सारी बातें मौत का कफन बांध के, क्या मतलब इन्होंने लड़ाई लड़ी, सारी बातें करने वाली इन्होंने, ये कोर्ट के अंदर करने वाली थी, एक मिनट, और कोर्ट को जाकर के ये बातें कहने वाली थी। हाँ। उनके वर्डिक्ट से पहले आज यहाँ पर इस बहस के अंदर होते हुए कोई यहाँ था या नहीं था? हाँ। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद इस किस्म की बातें कहना, ये सारा कोर्ट प्रोसीजरल बातें हैं। ये कोई बात छोड़ो, मेरी बात सुनो एक मिनट, और मेरी बात छोड़ो, चिमटागिरी उतनी करो जितनी अच्छी होती, बात फांसी के मुद्दे भी करो। और क्या राज्यसभा का टिकट लेना आपने? ये बोल के क्या राज्यसभा का टिकट लेना आपने? कोई एक आतंक समझा कि नहीं समझा? मैं जो कह रहा हूँ सुन नहीं रहा? ये फाइल दिखा रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रही क्या? ये फाइल दिखा नहीं दे रही आपको? और केस जा रहा है तो इसका ये मतलब, ये फाइल दिखा नहीं दे रही आपको? क्या 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 करोगे आप? क्या फांसी के तख्ते लटका लोगे आप हमें? क्या सच बोलने का गुनाह है क्या कोई? क्या सच बोलना गुनाह है कोई? सच बोलूंगा, आपकी परवाह नहीं करता मैं। प्रिंसिपल जी पे आरोप लगाया। अरे आरोप, अरे क्या करो, मेरा सच है, एक करो मेरा सच है, एक भी झूठ नहीं है। अरे चिमटागिरी उतनी करो जितना आपको अच्छा लगे। क्या आप राज्यसभा का टिकट लेना? तुमने राज्यसभा लेना है? ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया, छोटी सी बात नहीं है? अरे ये वकालत करके हाई कमांड के चिमटागिरी मत करो, समझाना बात, हमारी तरह बनाओ। पार्टी के वर्कर है, पार्टी के लिए लड़ते हैं, और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। आप तो चिमटागिरी करते हैं, बोलने का आपको राज्यसभा टिकट मिलता है? अरे छोड़ दू, जानता हूँ तुम्हें, मैं जानता हूँ मैं राज्यसभा का टिकट लेना क्या बोल के आतंकवादियों की मदद करता तू? हाईकमान के हक में बोल के क्या राज्यसभा का टिकट लेना चाहते हो? मैं भी ले सकता था, मैंने नहीं लिया।
मैं भी कुछ बन सकता था, मैं नहीं बना। अरे मैंने राजीव गांधी के लिए अब भी खड़ा हूँ। अरे आप तो मैदान छोड़ के भाग गए, मैं मैदान छोड़ के, अरे छोड़ जानता हूँ तुम्हें, मैं चिमटाघिरी करके राज्यसभा लेनी है, ले कह रहे हाईकमान को गला काट दे मेरा, क्या हाईकमान को गला काट दे, तैयार हूँ मैं, डट के बोलूंगा, डट के बोलूंगा, आप क्या कर चुकूंगा मैं, डट के बोलूंगा। हमारे पास इतना ही समय इस चर्चा के लिए, आपको मुझे रोकना पड़े, न्यायिक प्रक्रिया में समय नहीं लगना चाहिए और किसी की फांसी को लेकर या आतंकवादी के मुद्दे को लेकर, आतंकवाद के मुद्दे को लेकर राजनीति और वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए। रुक रहे हैं कुछ देख ले।